नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में उथल पुथल के बाद एक लंबी शांति का माहौल कायम हो गया है। ये शांति क्यों है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि समुद्र जब शांत होता है तो बड़ा सुनामी आता है। क्या यही बिहार की राजनीति में होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी और इस बात की खबर थी कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से कहीं ना कहीं जो एनडीए की सरकार चल रही है, जदयू है, उसके खंड खंड हो जाएंगे। नीतीश कुमार जी चुपचाप हैं और यहां तक कह चुके हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है, जो बताएंगे वो आरसीपी बताएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी उन्होंने चुप्पी साध ली और किसी को बधाई तक नहीं दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कयास और चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है नीतीश कुमार से। इन बातों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी बोल रहे थे और विपक्ष तो बोल ही रहा था। इन सबके बीच में एक बात तय नजर आ रही है कि जो वर्तमान परिस्थिति है, जो कल घटनाक्रम हुआ, उसमें आरसीपी सिंह ने सबको दरकिनार करते हुए खुद मंत्रिमंडल में शामिल होने की घोषणा कर दी और हो भी गए। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार की चुप्पी और कई लोगों के जो लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बन रहे हैं, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से अंतरात्मा की आवाज जगाने का समय आ गया है। इस पूरे विषय पर पहले से ही नीतीश कुमार को लेकर के हमलावर रहे भारतीय जनता पार्टी के खेमे से एमएलसी टुन्ना पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, प्रणाम प्रणाम जी। अब क्या देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में? आपने जो कहा था कि नीतीश कुमार के हाथ से जदयू निकल गई है, अब तो लगभग वैसा ही नजारा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मैंने जो कहे थे बिल्कुल सत्य हो रहा। आरसीपी सर आगे होते जा रहे हैं, आरसीपी सर ही हो सकता है अगला मुख्यमंत्री न बन जाए बिहार का। जी, जैसे भी व्यवस्था चल रही है। जी, और नीतीश बाबू का लौकिक समीकरण का पता नहीं क्या हुआ, हमको नहीं समझ में आ रहा है। जी, कुशवाहा जी को साथ मिला करके कुशवाहा जी के साथ धोखा हो गया। जी, और सारे लोग के साथ, हाँ मैंने सारे लोग के साथ धोखा दे, उनकी फितरत है, हमको लगता है उनको भी धोखा ही मिलेगा सर। जी, इसके आगे की रणनीति आप क्या, आपको क्या नजर आती है? नीतीश कुमार जी जिस तरह से अब चुपचाप हो गए हैं, ललन सिंह का प्रभाव उन पर होना है, आपने बता ही दिया कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ किस तरह से छल हो गया है, पार्टी संविधान की बात आप कर रहे थे शायद कि पार्टी संविधान में अध्यक्ष ही सब कुछ होता है, अब ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से सत्ता पर अपने आप को बैठाया था जॉर्ज फर्नांडिस, उसके बाद शरद यादव, क्या वही स्थिति अब फिर से एक बार जदयू में होने जा रही है? नहीं, देखिए जैसा को तैसा मिला, ये आप हमेशा कहावत सुने होंगे, हमेशा प्रचलित चीज कहावत है भारत का। दरअसल जिन्होंने जिनके जिनके साथ उन्होंने जैसा किया उनके साथ भी वैसा जरूर मिलेगा, और ये तो इतना निश्चित है कि जदयू में अंदर खाने से बहुत बड़ी टूट है जी। और ज्वालामुखी जब फूट कर सामने आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए, लेकिन ज्वालामुखी फूटना जरूर है। और नीतीश जी के हाथ में अब पार्टी का कमान रह नहीं पाया है सर, ये तो एकदम निश्चित है। अब नीतीश जी को भी अपनी प्रतिष्ठा बचाते हुए हम लोग के सुझाव तो मानेंगे नहीं, लेकिन सुझाव यही है कि मान सम्मान के साथ उनको अब भीष्म पितामह का रोल करना चाहिए। अब उनको पार्टी लाइन से अलग हट करके मैंने पार्टी का संरक्षक श्रेणी में चले जाना चाहिए और पार्टी आरसीपी सर के हाथ में दे देना चाहिए, चंद्र कुशवाहा जी के हाथ में दे देना चाहिए, संतोष जी कुशवाहा हैं, जो भी लोग हैं पार्टी उनकी है, उन लोग कमान, क्योंकि अब उनके हाथ में आउट ऑफ कंट्रोल है। बिहार तो आउट ऑफ कंट्रोल था ही उनके हाथ में, उनकी पार्टी भी उनके हाथ में नहीं रह पाया। अगर यही करना था तो जब उस अभी देख रहे थे कि ताश में सारे पत्ते जोकर ही अगर हैं तो फिर दोबारा फेंकने से क्या फायदा। आखिर पहला मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल हुए, ये तो पहले मंत्रिमंडल में भी उनको मिल रहा था जी। तो उन्होंने अपने एसी के चक्कर में पहला मंत्रिमंडल में साबित नहीं हुए, दूसरा में भी वही मिला, इसका मतलब कि आरसीपी सर का ही चला जी। और बिहार की भी जनता चाह भी रही है कि सत्ता आरसीपी सर में जाए, उपेंद्र कुशवाहा में जाए, किसी और के हाथ में जाए जी। हाँ, क्योंकि एक आदमी बहुत दिन तक सत्ता पर हो जाने के बाद हो सकता है ऐसी गबरा जाता है।
आपने बहुत बड़ी बात कही है पांडे जी, लेकिन एक इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीति को पिछले 40-45 सालों में नीतीश कुमार के देखा गया है, उसने साफ स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी हार मानने वालों में से नहीं है, कभी भी खेमा और पाला बदल सकते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए। क्या एक बार फिर आपको लग रहा है कि इस तरह का कुछ होने की संभावना है? देखिए, हाँ देखिए, पहले की भूतकाल की जो भी उनकी कार्यशैली को देखते हुए तो ये आकलन किया जा सकता है कि सही भी हो सकता है, लेकिन हमारी व्यक्तिगत सुझाव रहेगी कि अब नीतीश कुमार जी को एकदम बिल्कुल अब बैठ जाना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ में दे देना चाहिए। अब सत्ता के लालच में और जगह भी फिर अगर पाला बदलेंगे तो अब कुछ बचा नहीं हो, बचेगा नहीं, ये आप जान जाइए। जी जी, अब बदल तो सकते करते हैं एकदम, निश्चित हार तो मानने वाले व्यक्ति है नहीं। जी जी, अपने आप को ज्यादा ये थी, लेकिन वैसा हो सकता है कहीं उनको सद्बुद्धि भगवान दे दे, लेकिन हमें लगता, हमको लगता है कि अपने पार्टी को किसी नेता को, जी सीपी सर हो, उपेंद्र कुशवाहा या किसी नेता को, उनको बागडोर दे देना चाहिए और दे करके तब पार्टी में उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं कर पार्टी टूट जाएगी एकदम, हमको जहां तक विश्वास है। जी, हमारे यहाँ कहावत है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। क्या आप उसी नजरिए से नीतीश कुमार को सलाह दे रहे हैं कि पार्टी उनके हाथ से निकल रही है? अब बिल्कुल, हमेशा नीतीश, देखिए हमेशा सलाह देते हैं, लेकिन दरअसल व्यक्तिगत वो सलाह मानते नहीं है किसी का। सबसे बड़ी बात उनकी कि गलती के बाद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम व्यक्तिगत तो सलाह देते हैं, नीतीश जी ऐसा थोड़ी है कि कोई हमारे दुश्मन है। पिछले बार देखिए, दो इतना अच्छा बिहार में काम किए, हकीकत में सुशासन उन्होंने लाया जी। अभी उन्होंने कुछ गलत कर रहा तो हम उनका विरोध करते रहते हैं, लेकिन ये तो निश्चित है हम व्यक्तिगत उनको दे रहे हैं कि उनको पार्टी के कमान पर अगर अपने परिवार पर पकड़ रखना है तो सत्ता किसी और को उनको देना पड़ेगा, तभी उनकी पार्टी मजबूत हो पाएगी, फिर उनका पकड़ रहेगा और उनको लोग समझेगा कि भाई नीतीश जी ने पार्टी पे ठीक किया, नहीं तो उनका पार्टी टूट कर बिखर जाएगा। घर में 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे सब अलग विलग हो जाएंगे। हालांकि ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, सिर्फ आप इस पर आपसे राय लेना चाहते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है उससे क्या लग रहा है आपको, कि जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस का हाल हुआ, जिस तरह से शरद यादव का हाल हुआ, क्या उसी दिशा में नीतीश कुमार जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं सर। देखिए, वो तो पार्टी की उनकी अंदरूनी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना ही जानते हैं कि जो जैसा करता है उसको ऐसा मिलता है सर। जी, ये हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है। चलिए, बहुत तो उन्होंने लोगों के साथ जैसा किया उनके साथ भी ऐसा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, प्रणाम। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।